रही हूँ कि खाने से पहले एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। अरे यही तो मौका है, देखना नंदिनी ने कितना डेयर करके अकेले जीने का फैसला किया है, इससे ज्यादा डेयरिंग क्या हो सकती है भाई? भाई मैं तो सच का ही सामना करूंगी, पूछो जिस दे जो कुछ दे। दीदा आपकी कोई लव स्टोरी सुनाओ ना भाई, कोई एक हो तो सुनाओ। चल तुझे अपनी फर्स्ट लव स्टोरी सुनाती हूँ। पट्टा मेरे गांव का था, मेरा पड़ोसी, छत मिलती थी हम दोनों की, वो भी 16 का, मैं भी 16 का, लेकिन न कभी आंखों से जताया बताया ना होठों से बयां किया। अरे ऐसे ऐसे प्यार का क्या होना था, खलास खत्म हो गया वो। मेरे साथ एक गिलास शैंपेन पीनी पड़ेगी। पर दीदा नंदनी तो ड्रिंक नहीं करती। अरे यही तो डियर है, है? अरे जब अकेले रहने का डेयर कर सकती है तो एक गिलास शैंपेन पीने का डेयर क्यों नहीं कर सकती? वैसे बेटा बात पीने की नहीं है, बात है खुशियां बांटने की। चार गिलास लेके आ नंदिनी के लिए भी। आई लाइक दैट, यस टू एवरीबॉडीज हैप्पीनेस। आई थिंक नंदिनी जब से इस घर में शिफ्ट हुई है वो तब से शी इज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, वो अपनी मर्जी का करना चाहती है। तो पहली बार सब लोगों को लगता है कि नहीं ये तो ट्रुथ ही बोलेगी बिकॉज शी डजंट हैव द गट्स टू डू एनी डेयर, लेकिन नंदिनी डेयर बोलती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू वट शी फील्स लाइक एंड शी वॉन्ट्स टू डू टू जस्ट प्रूव हर पॉइंट ऑफ हर सेल्फ दैट शी कैन डू। दोनों शैम्पेन पी रहे हैं क्योंकि दीदा मुझे बोलती है कि आज तेरी डेयर है कि तू मेरे साथ एक ग्लास शैम्पेन पिए, एंड एक्चुअली पीती हूँ और मैं पूरा एक ग्लास पी जाती हूँ। आई डाउन वन ग्लास ऑफ शैम्पेन।